नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। और किसानों के भारत बंद का आगाज हो गया है और कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करने का ऐलान किया हुआ है। किसानों के समर्थन में कई पार्टियां सड़कों पर उतर आई हैं। दिल्ली के आईटीओ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरन ट्रैफिक रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। पुलिस ने गाड़ियों को रोक रहे बंद समर्थकों को हिरासत में ले लिया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के आईटीओ की है, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने वहां पर सड़क को जाम करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को उनको जबरन वहां से हटाना पड़ा और कुछ देर के लिए उन्हें हिरासत में भी लेना पड़ा है। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने तो इस बंद को समर्थन दिया ही है, अब जिसका असर यहां की सड़कों पर नजर आने लगा है। आईटीओ, आप समझिए, दिल्ली का एक बहुत ही व्यस्त इलाका है, जहां पर ट्रैफिक को अगर रोका जाए तो इसका असर पूरे दिल्ली में पड़ता है। वैसे भी पिछले 12 दिन से दिल्ली में ट्रैफिक की हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर किसान पिछले 12 दिनों से वहां पर धरने पर बैठे हुए, जिसकी वजह से ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। आज देश भर में कृषि कानून के खिलाफ भारत में बंद है और कई जगह रेलवे ट्रैक पर किसानों ने और उनके दूसरे जो राजनीतिक संगठन है उनके कार्यकर्ताओं ने बैठकर रेल रोको आंदोलन चलाया। प्रयागराज से लेकर कोलकाता और भुवनेश्वर तक राजनीतिक दलों और किसान संगठन के लोग ट्रैक पर जाम करने पहुंच गए। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकने की कोशिश की, तो कोलकाता में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी और जगह जगह ट्रैक को जाम कर दिया। और भारत बंद के दौरान 11 बजते ही दिल्ली में सियासी पार्टियों का सड़कों पर उतरना भी शुरू हो चुका है। और इस वक्त आप आईटीओ की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आईटीओ से आपको हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद की रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस समय आईटीओ पर हैं और यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का किसान आंदोलन के लिए आज भारत बंद का जो आह्वान है उसमें समर्थन देने के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक ऊपर किसानों के समर्थन में भारत बंद का एक बड़ा बैनर लगाए हुए जिसमें चौधरी अनिल कुमार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लिखा हुआ है, वो यहाँ पर हैं। उसके साथ साथ हाथों में बोर्ड बैनर पोस्टर लिए हुए यहाँ पर हैं। हाथों में बोर्ड है, बैनर है, पीछे किसानों के लिए समर्थन है। आज भारत बंद है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल भारत बंद है, हम देश की जनता से क्षमा चाहते हैं, लेकिन आज अन्नदाता सड़कों पर है और आज इस अन्नदाता के लिए आज कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर है और आप और यहाँ हमारा बैठने का उद्देश्य यही है कि सरकारें कब जागेंगी, कब देश के प्रधानमंत्री को सुध आएगी, कब सुध आएगी कि किसानों के जो काले कानून है जो इन पर जबरदस्ती थोप दिए गए, कब सरकार इनको वापस लेगी, यही मांग लेकर के हम यहाँ बैठे। लंबा जाम लगेगा, लोगों को दिक्कतें होंगी, क्षमा चाहते हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को कब नींद टूटेगी, प्रश्न इस बात का है। ये लोग हम लोग ही है, हम लोग जो डेली अन्न खाते हैं वो किसान के खेत में उगा हुआ अन्न खाते हैं। उस अन्नदाता के कष्ट को समझना पड़ेगा इस सरकारों को और इस सरकार को महसूस होना चाहिए ये तानाशाही नहीं चलेगी। इस देश के अंदर किसान अन्नदाता की बात को आपको सुनना पड़ेगा। इस समय आप देखें तो ये कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ किसानों के समर्थन में भारत बंद एक बड़ा बोर्ड लेकर वो यहाँ पर है। वही दूसरी तरफ आईटीओ का ये एरिया, यहाँ पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो नीचे की तरफ बैठे हैं, रास्ता ब्लॉक हो गया है। ये मेन एक्सेस है जो कि लक्ष्मी नगर से दिल्ली को कनेक्ट करता है, आईटीओ को कनेक्ट करता है, लेकिन अब यहाँ पर ट्रैफिक जैम है। दिल्ली पुलिस के लोग जैसे तैसे कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता एक तरह से खोला जा सके, पैसेज खोला जा सके। और भारत बंद के समर्थन में आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतरी है। आप कार्यकर्ताओं से इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद ने बात की। ये भारत बंद की तस्वीर है, आम आदमी पार्टी के ऑफिस के ठीक बाहर यहाँ पर सभी लोग अपने हाथों में बोर्ड लेकर भारत बंद के इस समर्थन में नारे लगा रहे हैं। सभी लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, यहाँ पर साथ में नारेबाजी की जा रही है। मेरा नाम आज भारत बंद किसानों ने आह्वान किया, उसका समर्थन दे रहे पूरी तरह से। मैं आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई CYSS से संबंध रखता हूं और आम आदमी पार्टी और पूरा छात्र विंग हम पूर्ण तरीके से समर्थन दे रहे हैं। हर तरीके से हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो जिस भी कार्य से संबंध रखते हैं, डील करते हैं, आज उनके लिए पूरा बंद है। क्या नाम? क्या किसान आंदोलन का जो आज भारत बंद का आह्वान है समर्थन कर रही हैं आप? बिल्कुल पूर्ण समर्थन कर रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, ना कि किसी से भीख मांग रहे हैं। यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस भारत बंद के आह्वान के साथ वो जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर ये
समर्थन के लिए नारेबाजी की जा रही है और साथ में किसानों के समर्थन के लिए यहां पर नारों के साथ साथ उनको समर्थन दिया जा रहा है।